This video is sponsored by Pixtoonz Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। केकेआर की चेन्नई पर शानदार जीत, प्लेऑफ की तरफ बढ़ाया कदम। कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुरुवार को ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 11वें के 33वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। चेन्नई को हराकर दिनेश कार्तिक की केकेआर टीम 9 मैचों में से 5 जीत के साथ पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के 12-12 पॉइंट हैं, जबकि किंग्स इलेवन पंजाब 10 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर है। बहरहाल 178 रन का लक्ष्य लेकर उत्तरी केकेआर की टीम पारी को क्रिस लिन और सुनील नरेन ने भी शुरू किया, लेकिन लिन सिर्फ 12 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। उन्हें लुंगी एंगडी ने शेन वॉटसन के हाथों कैच कराया। केकेआर की टीम कुछ संभली ही थी कि रॉबिन उथप्पा भी 6 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें के एम आसिफ की गेंद पर ड्वेन ब्रावो ने कैच किया। केकेआर को तीसरा झटका ओपनर सुनील नरेन के रूप में लगा, जो कि 32 रन बनाकर आउट हुए। नरेन को रविंद्र जडेजा की गेंद पर ड्वेन ब्रावो ने कैच किया। उन्होंने अपनी पारी में 20 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और 2 छक्के लगाए। केकेआर का चौथा विकेट रिंकू सिंह का गिरा, जिन्हें 16 रन के स्कोर पर हरभजन सिंह ने अपना शिकार बनाया, जबकि कोलकाता के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने 36 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 57 रनों की पारी खेली। कप्तान दिनेश कार्तिक ने 18 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के की सहायता से नाबाद 45 रन बनाए। आखिरकार कोलकाता ने इस लक्ष्य को 17.4 ओवरों में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। सुनील नरेन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। चेन्नई ने दिया था 178 रन का लक्ष्य। चेन्नई सुपर किंग्स ने कप्तान धोनी की दमदार पारी के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ चुनौतीपूर्ण स्कोर रखा, यानी चेन्नई ने ईडन गार्डन्स स्टेडियम में केकेआर के खिलाफ 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए, जो कि आईपीएल में एक अच्छा स्कोर माना जाता है। पहले बल्लेबाजी के नियोते के साथ उतरी चेन्नई सुपर किंग्स को एक बार फिर से अच्छी शुरुआत मिली। फाफ डू प्लेसी 27 और शेन वॉटसन 36 की ओपनिंग जोड़ी ने टीम को 5 ओवरों में 48 के स्कोर तक पहुंचा दिया था। डू प्लेसी अगले ओवर में पीयूष चावला की गेंद पहली गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद मैदान में आए सुरेश रैना ने वॉटसन के साथ अच्छा साथ दिया और दूसरे विकेट के लिए 43 रनों की साझेदारी की। 91 के स्कोर पर वॉटसन का एक बड़ा शॉट मारने के प्रयास में सुनील नरेन ने की गेंद पर शिवम मावी को कैच दे बैठे। सुरेश रैना ने अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके लगाए, लेकिन जैसे ही वो लय पकड़ रहे थे तभी कुलदीप यादव की गेंद पर सीमा रेखा के पास मिचेल जॉनसन द्वारा लपक लिए गए। रैना ने 26 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली। इस दौरान वो आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। आईपीएल में 2008 से अब तक सुरेश रैना ने अब तक 169 मैचों में 34.35 की औसत से 138.91 के स्ट्राइक रेट से सार्वजनिक 4,776 रन बनाए, जिसमें एक शतक और 33 अर्धशतक शामिल हैं। इस सीजन में बल्ले से बेहतरीन फॉर्म में चल रहे अंबायती राइडू ने 17 गेंद में 3 चौकों की मदद से 21 रन बनाए। राइडू के जाने के बाद धोनी ने रविंद्र जडेजा के साथ 5वें विकेट के लिए 54 रनों की साझेदारी कर टीम का स्कोर 174 तक पहुंचाया। इस साझेदारी में सिर्फ 12 रन ही जडेजा के थे, जबकि जडेजा का विकेट आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर गिरा। वहीं कप्तान धोनी ने अंत में आकर 25 गेंदों में 4 छक्के और 1 चौके की मदद से नाबाद 43 रनों की पारी खेली। कोलकाता के लिए चावला और नरेन ने 2-2 विकेट लिए, जबकि कुलदीप यादव को 1 सफलता मिली।